This program is brought to you by IndianFunkar.com. नमस्कार, इंडियन फनकार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और हिंदी कविताएं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी उसके लिए अभिषेक भाई गलसर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी तीन कविताओं का पठन करूंगी। पहली कविता है कि हर शाम मैं छत पर जाती, हर शाम मैं छत पर जाती और डूबते हुए सूरज को मुट्ठी में पकड़कर ले आती। हर शाम मैं छत पर जाती और डूबते हुए सूरज को मुट्ठी में पकड़कर ले आती। ऐसे ही कई सूरज जमा किए थे मैंने, ऐसे ही कई सूरज जमा किए थे मैंने। पिछले दिनों उन्हें याद करते हुए मन को, पिछले दिनों उन्हें याद करते हुए मन को जलाने के लिए वही सूरज काम आए थे। दूसरी कविता पेश करती हूँ कि उस दिन जब उससे मिली थी तब अपने आप को उसके पास ही भूल आई थी, उस दिन जब उससे मिली थी तब अपने आप को उसके पास ही भूल आई थी। कल आखिरी बार मिले तो मांग लिया खुद को, वो केयरलेस ढूंढ नहीं पाया मुझे अपने अंदर। मैं खुद को लिए बिना ही वापस आ गई, मैं खुद को लिए बिना ही वापस आ गई। अब घर से बाहर नहीं निकलती हूँ मैं, अब घर से बाहर नहीं निकलती हूँ मैं, खुद के बिना जाऊं तो कहाँ जाऊं। तीसरी कविता का पठन कर रही हूँ जिसका शीर्षक है कुकर। उसे कुकर बहुत पसंद था, उसे कुकर बहुत पसंद था, भीतर की पूरी भाप सीटी के जरिए बाहर निकाली जा सकती थी। उसके खुद के पास सीटी जैसी कोई व्यवस्था थी नहीं, इसीलिए उसको कुकर से जलन होती थी। सीटी कुकर की बचती पर उसे लगता कि उसके अंदर की भाप बाहर निकल रही है। गैस की लौ बड़े से छोटी हो सकती थी, गैस की लौ बड़ी से छोटी हो सकती थी, इसलिए वो कुकर को नसीबदार भी मानती थी। कई बार छाती जाम हो जाती थी, कई बार छाती जाम हो जाती थी, तब वो कुकर की सीटी को मुंह पे रख कर देख लेती थी। कई बार जब छाती जाम हो जाती थी तब वो कुकर की सीटी को मुंह पे रख कर देख लेती थी। सीटी तो बचती नहीं पर अंदर जमा हुई सारी भाप होठों तक, आंखों तक आ जाती थी। एक बार गैस पर रखा हुआ कुकर फटा तब उसका हाथ जल गया था। उसने पानी में हाथ डुबोया तब फटे हुए कुकर की थोड़ी भाप हाथ से और थोड़ी आंखों से बाहर निकली थी। कल रात बेडरूम की दीवार ड्राइंग रूम तक लंबी हो गई थी। कल रात फिर से एक बार बेडरूम की दीवार ड्राइंग रूम तक लंबी हो गई थी। तब उन्होंने कह दिया था कि अगले जन्म में पत्नी के तौर पे तुम तो नहीं। ते दूसरे दिन सुबह वो भी कुकर की तरह गैस पे चढ़ गई, दूसरे दिन वो भी कुकर की तरह गैस पे चढ़ गई। अब उसको अगले जन्म में कुकर बनना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप लाइक करें और उसको शेयर करें।